हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू हुसैन व्लॉग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर विद अ न्यू व्लॉग। और आप सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो चुकी है तो मैं उठी, तो मतलब हो गया मुझे उठे एक घंटा, क्योंकि मैं उठने के बाद पहले फ्रेश होती हूँ, फिर अपनी थायराइड की टैबलेट लेती हूँ। और अभी एक दो दिन से पहले दिन से मैंने पीना शुरू किया है जीरा और मेथी का पानी। दिखाती हूँ मैं तो गाइज, ये देख सकते हैं मैंने रात को जीरा भिगोया था, अभी तो छान के रख दिया। ये मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको रीयूज़ कर लेती हूँ। और इतने से मैंने ये मेथी दाना जो है भिगोए थे, अलग दोनों अलग अलग भिगोती हूँ ताकि जीरा जो है वो बाद में यूज़ हो जाता है। और इसका तो कल तो भी वैसे कुछ नहीं किया था, फेंक ही दिया था। आप चाहें तो ये जो मेथी दाना, अगर कोई ऐसे पीता है पानी तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका पेस्ट बनाकर उसको बालों में लगा के आप 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद हेड वॉश करिए, देखिएगा बाल इतने सिल्की शाइनिंग स्मूथ हो जाएंगे। और इससे बाल बढ़ते भी है गाइस, ये बहुत हेल्पफुल है बालों के लिए। अगर आप चाहें तो मतलब आप करके देखिएगा और बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत बार यूज़ किया है इसको, मेथी दाना को। मतलब रात को भिगो के इसको मैं नेक्स्ट डे पीस लेती हूँ, इसका पेस्ट बनाकर अपने बालों पे लगाती हूँ, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। बाल झड़ना रुक जाते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल सिल्की शाइनिंग होते हैं। तो जिनको भी बालों की समस्या आ रही है कि अभी जैसे बाल झड़ रहे हैं बहुत, तो वो डेली तो नहीं, खैर हफ्ते में 2 बार ये करके देखिए। ये ऐसे मैंने तो अभी जस्ट पीने के लिए भिगोया था, लेकिन आपको अगर बालों में लगाना है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लीजिएगा। इसको रात भर पानी में छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे पानी जो है फेंकेगा नहीं, पानी को एक जो स्प्रे वाली बॉटल होती है उसमें भर के रख लीजिए। बीच बीच में एज अ जैसे होता है ना कि उसको भी टोनर का काम कर सकता है वो बालों में, तो जब कभी आपको जैसे हफ्ते में 2 बार ये लगाते हैं तो बीच में किसी दिन वो टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, उससे भी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हाल फिलहाल अभी मैंने पी लिया है पानी, जस्ट पी के अभी मैंने ये रखा है देखिए गिलास में, तो बस। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उबाल लिए हैं आलू, तो वही सोच रही हूँ कि अब क्या बनाया जाए, आलू का परांठा या आलू पूड़ी नाश्ते में, क्योंकि बच्चों ने जाना है 11 बजे ट्यूशन। और आप जैसे कि वो देख रहे हैं ये गाइस, इसका भी मैं कुछ बनाऊंगी। क्या है ना, मैंने जो आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि नींबू जो मैं अपनी नानी के घर से लेके आई थी, वो नींबू का रस निकाल लिया है मैंने, मतलब एक जार में भर के रख लिया, क्योंकि ऐसे तो नींबू ख़राब हो जाते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकेंड, वो देखिए ऐसे जार में मैंने भर के रख लिया है नींबू का रस छान कर। वैसे तो इसमें बीज नहीं थे, तो छानो नहीं भी छानो तो चल जाएगा। ये जो नींबू होते हैं ना गाइस, तो इसमें क्या होता है, इसमें बीज बिल्कुल नहीं होते हैं, सिर्फ और रस इतना निकला था। तो अभी मैंने क्या किया, इसको रात को ना ये पानी में ऐसे भिगो दिए, इसके छिलके फेंके नहीं, क्योंकि इसका भी मैं कुछ बनाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन जाती है, तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं, जब बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, कि चाहे तो अभी जैसे जब फ्री हो जाऊंगी तब बना के व्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो बस अभी नाश्ते की तैयारी होने जा रही है, तो मैं वही सोच रही हूँ, बच्चों से पूछ रही हूँ, चलिए चलते हैं बच्चों के पास, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। उठ गए ये, हाँ जी गुड मॉर्निंग, तो क्या बनाए आप नाश्ते में, क्या खाना चाहेंगे आप? पिज़्ज़ा। पार्टी हो रही है, आलू के पराठे। मैं सोच रही हूँ आलू पूड़ी बना लो, जल्दी बन जाएगा, तुम जल्दी खा भी जाओगे ना ट्यूशन पे, है ना? तो हो गया काम इनका, गाइस पे एग्जाम है मंडे को पंजाबी का, तो ये पढ़ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता पंजाबी का। कुछ नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? मुझे ये भी यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना ही नहीं यहाँ पर? मुझे पापा के पास वहाँ पढ़ना है, वहाँ पे पंजाबी नहीं है, इतना मुश्किल। तो वहाँ पर संस्कृत है फिर? ये देखो, ये पंजाबी है,
इसको ये मुझे ये नहीं पता ये क्या लिखा है, क्या लिखा है। ओए ड्रामे ना कर। चलो फटाफट से करो काम जो मैम ने दिया काम, फटाफट से कर लो, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। गाइज जो मैंने नींबू के छिलक का वो आपको दिखाया था, तो इसमें मैंने इसका रूम फ्रेशनर बनाया है, जैसे कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने क्या किया है कि नींबू का जो वो पानी था उसको छान लिया है, छान कर मैंने इसको ऐसे स्प्रे वाली बॉटल में रख लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गुलाब जल और एक कपूर जो होता है ना पूजा वाला कपूर, ये देख सकते हैं आपको शायद बीच में दिख भी रहा है, तो इसकी मैंने 2 गोलियां इसमें डाल दी है। तो ये एज अ रूम फ्रेशनर का काम कर रहा है, जहाँ पर भी जैसे आपको थोड़ा सा स्मेल आती है या कुछ भी है, तो ये बहुत अच्छी स्मेल आ रही है लेमन की, तो मैं इसको एज अ रूम फ्रेशनर का के लिए यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा बन गया है, आप भी चाहें तो नींबू के छिलकों का बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन अभी मेरे माइंड में यही आ रहा था तो मैंने यही बना लिया। आप चाहें तो मतलब बहुत कुछ बना सकते हैं उसको, कई लोग नींबू के छिलक ऐसे रख कर उसका अचार भी डाल देते हैं, तो बस मैंने अभी ये बनाया तो वो आपके साथ शेयर किया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, फिर देखते हैं क्या फटाफट से बनाती हूँ नाश्ता, और आज मुझे कहीं जाना भी है तो आज का दिन जो है बहुत बिजी वाला है तो छुट्टी बच्चों की, बट ये लोग तो जाएंगे ट्यूशन और मेरे को जाना है आज एक जगह, और वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, या हो सका तो व्लॉग में शूट कर पाऊँ तो कर लूँगी। तो और एक चीज़ और शेयर करूँगी कि कल जैसे कि है संडे, तो कल है शिवांश का बर्थडे, तो उसका व्लॉग भी आएगा, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि कैसे मनाया शिवांश का फर्स्ट बर्थडे। तो पता ही नहीं लगता ना, जैसे एक अभी जैसे लगता है कि कल की बात है कि उसको चुटकू सा लेके आए थे और एक साल का हो भी गया, ऐसा लगता है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है टिंडा सा मेरा। तो बस उसका व्लॉग भी आएगा तो आप ज़रूर देखिएगा, वो भी मिस मत करिएगा। तो हाल फिलहाल फटाफट से काम करते थे, फटाफट काम कर लेती हूँ और फिर मुझे जाना भी है तो नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि अभी सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा सब कुछ, बर्तन मैं रात को करके सोई थी जैसे कि सिंक है खाली तो नहीं है बर्तन, लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट के हो जाएंगे तो वो भी फटाफट से करने पड़ेंगे। और मैंने दोपहर के लिए भिगोए हैं छोले, ये देख सकते हैं, तो इसको भी बॉईल करने रख दूंगी और इसका भी मसाला फटाफट से तैयार करके ये भी रेडी करके ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर आज 2 बार जाना है ट्यूशन, 2 बजे आ जाएंगे लंच के टाइम पर और फिर शाम को जाएंगे 4 बजे, तो बस मिलते हैं फिर तैयार होकर। तो गाइस इसको मैं अभी एज इट इज़ रख रही हूँ मेथी दाना को, क्योंकि डेली मैं पानी पीऊँगी तो इतना इकट्ठा हो ही जाएगा, फिर मैं सोच रही हूँ इसको इसका पेस्ट बनाकर मैं भी यूज़ करूँगी बालों पे, क्योंकि मैं तो करती ही हूँ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप लोग भी यूज़ करिएगा बताइएगा। और बस अभी जा रही हूँ, आलू मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं बॉईल करूँगी इसी कुकर में छोले, क्योंकि जल्दी हो जाएगा काम फटाफट से। तो गाइस हमारी कैब आ चुकी है, हमने करवाई थी कैब बुक, तो अभी हम जा रहे हैं जीरकपुर मार्केट में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि शिवांश का बर्थडे आ रहा है, तो मैं सोची थी कि पहले क्या दूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो फिलहाल मैंने उसके लिए लिए 2 बहुत अच्छे अच्छे सूट और एक लिया सॉफ्ट वाय, तो मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। और यहाँ पर हमारे मनन जी तो पहले आपको पता ही है कि फूडी है, तो पहले उसने खाए गोलगप्पे, फिर उसने खाई टिक्की चाट, कहता है बोल रहा था पहले मुझे कुछ खिलाओ, और घर से तय करके चला था कि पहले मुझे खिलाओगे तो मैं चलूँगा, तो बस हमने इंजॉय किया और अब हम वापस आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, इसको वापस में ट्यूशन जाना था। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे गणपति भी बन रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि गणपति जी के आने का टाइम हो रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे आपको देखने को। तो गाइस मार्केट से आ गए हम लोग, और मार्केट से आने के बाद ये देखिए एक्चुअली क्या था, तुषार ने रास्ते में ही हमको ये मेरा सूट पकड़ा दिया था, वो जा रहा था घर जल्दी थी, क्योंकि सुबह जो है शिवांश का जैसे कि आपको पता है बर्थडे है, तो उसकी पूजा करवानी थी, तो मैंने कहा तो रास्ते में दे दे, क्योंकि हम लोग जा रहे थे जब मार्केट, तो एक तो उसने ये सूट पकड़ा दिया अभी, तो मैं कल रेडी होके आपको लुक दिखाऊंगी इसका
कैसा बना है सूट, और दूसरा ये कुछ ब्लाउज थे जो मैंने ठीक करवाए हैं, जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो ये थोड़े से ठीक करवाए हैं। ये अभी हाल फिलहाल जब मैं साड़ी फेयर करूँगी तब आपको पता लग जाएगा। और एक साड़ी जो है मम्मी ने जो न्यू दी थी मेरे को, ये वाली, ये भी फॉल लगकर आ गई है हाल फिलहाल। तो ये वाली साड़ी जिस दिन हम बप्पा लेके आएंगे 19 को, तो उस दिन मैं वेयर करूँगी पूरा साउथ इंडियन वेयर करूँगी, जैसे साउथ इंडियन लुक लूँगी। तो उस दिन आप पूरा गेटअप देखिएगा कैसी लग रही हूँ मैं। तो बस अभी जो है हाल फिलहाल काम सारा हो चुका है और किचन का भी डन हो गया है, सब देख सकते हैं सब साफ सुथरा ही है, और बस बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं। तो बस अभी मैं लूँगी चाय और उसके बाद करती हूँ फिर आगे का क्या है क्या नहीं है। तो गाइज इस व्लॉग को मैं हाल फिलहाल यहीं पे एंड करूँगी, लेती हूँ अपनी चाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि जो कल का व्लॉग आएगा वो बहुत ही स्पेशल होगा, शिवांश के बर्थडे से रिलेटेड है और यहाँ मैं बता रही हूँ बच्चों का दूध, तो वो व्लॉग भी आप पूरा देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो कल गाइज ये मैं गई थी एक्चुअली जीरकपुर मार्केट में, तो वहाँ से मेरे को मिल गए थे ग्रीन एप्पल, तो मैं ये ले आई, सही रेट में मिल गए थे तो मैंने ले लिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि आइस के लिए बहुत अच्छे हैं, तो मुझे सौभाग्य के लिए फिर लेने पड़े क्योंकि उसकी आई सेट थोड़ी वीक है। तो अगर आप लोग भी मतलब अगर जैसे आपके बच्चों की आइस वीक है, स्पेक्स लगी हुई है, तो आप भी खिलाए एप्पल ग्रीन, बहुत अच्छे होते हैं। तो मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।